हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारा कोई रिश्तेदार किसी जगह काम करता है, किसी जगह काम करता है, तो क्या होता है कि वो बड़ी पोस्ट पर है, तो उसके बड़ी पोस्ट पर होने का हम फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। तो किसी रिश्तेदार के किसी बड़ी पोस्ट पर होने का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाएं, क्यों? इससे दूसरों का हक मारा जाएगा, और दूसरों का जब हक मारा जाएगा तो आप जालिम हो जाएंगे, वो मजलूम हो जाएगा, और फिर इसका खमियाजा आपको हश्र के मैदान में कयामत के दिन भुगतना पड़ेगा कि आपको अपनी नेकी उस बंदे को देना पड़ेगा। हमारे यहां देखे लोग धौंस जमाते, मेरा बाप पुलिस में है, हाँ तुम जिस कंपनी में काम करते हो मेरा बाप उसका बॉस है, मेरा भाई उसका बॉस है, और मेरा फला रिश्तेदार उसका भी, तुम्हारे जो है तुम्हें निकलवाता हूं जॉब से, तुम्हें फलां जगह से निकलवाता हूं, बड़ी बातें करते हो तुम, ये वो धौंस जमाते हैं लोग। और बतौर खास किसी सरकारी महकमे में, गवर्नमेंट सेक्टर वाले मामले में कोई जो है कहीं जिम्मेदार हो तो वहां तो और धौंस जमाया जाता। हॉस्पिटल में लोग बारियां लगा करके खड़े होते हैं, और ये इसका कोई रिश्तेदार जो है वो डॉक्टर है या कुछ और है तो कुछ कोई परवाह नहीं इसको, नाजायज फायदा उठाना। भाई कोई इमरजेंसी है ठीक है अच्छी बात, लेकिन नाजायज फायदा आप उठाएं और लोगों के हुकूक पर डाका डाल करके आप जो है उसके उसके अपने किसी रिश्तेदार के उस ओहदे पर होने का फायदा उठाएं और जाएं अपना काम करवा लें और दूसरे लोग लाइन में पड़े रहेंगे, तो नाजायज जायज हो सकता है, जायज फायदा आप उठाएं, जो काम भी मुमकिन है करवाएं जायज तरीके से, लेकिन जहां नाजायज फायदा आप उठाएंगे वहां आपके ताल्लुक से ये एक गलत हरकत मानी जाएगी और इस पर शरीयत की तरफ से आपको गुनाह मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, दूसरे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, ए चलो तुम साइड रहो साइड रहो। बाज़ दफा देखे ना लोग कोई बड़े पोस्ट पर होते हैं, छोटों की कोई परवाह नहीं, छोटों की कोई परवाह। अच्छा, इसमें बाज़ दफा क्या होता है, इदारों में देखें कि कोई अगर जिम्मेदार है तो उसके घर का बच्चा आएगा, वो भी लोगों पर धौंस जमाता है, क्यों भाई? वो समझता है कि मतलब मेरा फला रिश्तेदार यहां का जिम्मेदार है तो जैसे उसकी इज्जत की जाती है वैसे मेरी भी इज्जत की जाए, वैसे मेरी भी इज्जत की जाए। भाई तुम कौन हो, तुम भी आम इंसान हो, होगा तुम्हारा कोई रिश्तेदार जिम्मेदार होगा होगा, लेकिन तुम अब उस रिश्तेदार के जिम्मेदार होने का गलत फायदा उठाओ यहां पर आकर के, और ये समझो कि तुम्हारे साथ भी वही तरीका इख्तियार किया जाए जो उस जिम्मेदार के साथ किया जाता है, क्यों किया जाए भाई, क्यों किया जाए? तो इस तरीके बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी तंजीमों में, बहुत यहां तक कि अब तो मसाजिद में भी ये सारे मामला चलने लगे, मसाजिद में भी ये मामला चलने लगे कि बाप जो है ट्रस्टी में है, जिम्मेदारों में है, तो बेटा भी ऐसे रहेगा कि मतलब जो इमाम मुअज्जिन उसके सामने झुक करके रहे और दीगर अमले दीगर तमाम लोग उसके सामने झुक करके रहे। क्यों झुक करके रहे भाई, तुम कौन हो, तुम भी आम इंसान हो, वो जिम्मेदार है तो जिम्मेदार होने का मतलब नहीं जिब्रील हो गया हो या रसूल हो गया हो, उसकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी पूरी करे, अगर कोई गलती करता है उसको मोहब्बत से समझाएं टोके। तो कभी भी किसी रिश्तेदार, वालिद, बाप, भाई, जो भी कोई है, उसके किसी ओहदे पर होने का नाजायज फायदा कभी मत उठाएं, और दूसरी बात यह कि उसके उस ओहदे पर होने की वजह से आप अपने आप को बर्तर समझें, दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझें, तो ये एक गलत हरकत है। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।